15 तारीख को सुबह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में। जैसे ही 3 दिन निकले, और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ, नो, ये प्लान था। ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज, 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे, ये देश की ताकत है। ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे, उनके साथ क्या करना है कैसे करना है वो हमारे पे छोड़ दीजिए, बट सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले एमएचए ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी, विद इन 3 डेज उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। हाउएवर उसके 3 दिन बाद एमएचए ने बोला अच्छा वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए ये स्पेशल कंसेशन दिया है टू इंक्रीज द एज। व्हाई? बिकॉज सबके सब यूथ के साथ कनेक्टेड है, उनको मालूम है देश का भविष्य, यूथ का भविष्य एकदम इंटीग्रेटेड है। कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, डीपीएसयूज हैं, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है। एज रिलैक्सेशन सेम थिंग। कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे।